ورحمة الله وبركاته आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मुर्गाबी को देखना ख़्वाब में मुर्गाबी किसी ने ख्वाब देखने वाले को दी या ख्वाब में मुर्गाबी के बच्चे को पकड़ना ख़्वाब में मुर्गाबियों को किसी जगह में रखना उनको पालना और इसके मतलब तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी आप दोस्तों से गुजारिश कि वीडियो को मुकम्मल देखें लाइक करें अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें हजरत इबन सर रहमल्ह मनी महब्रज़म जो सबसे बड़े ख्वाबों की ताबीरें बयान करने वाले इमाम गुज़रे हैं उनके नज़दीक ख्वाब में मुरगाबी को देखने की क्या ताबीर है तो वो वो बयान करता हूँ इमाम साहब फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर मुरगाबियों को देखना ये आम जो मुर्गे होते हैं इन से उनकी ताबीर बेहतर है और अगर देखे कि इसने मुरगाबी को पकड़ा है कहीं से मुरगबी उड़ती हुई इसके घर आई या इसने कहीं जाकर उसको पकड़ा है या इसको वो मुरगी किसी ने दी है अता की है दलील है कि माल नेमत और बुजुर्गी पाएगा अल्लाह की तरफ से इसको बहुत सा हलाल माल बुजुर्गी और नेकी अता होगी और इसी तरह अगर मुरगाबी इसने कहीं से हासिल की किसी ने इसको दी तो इसकी एक ताबीर अलामा इबन सरिनला फरमाते हैं दिली मुराद का पूरा होना है अल्लाह ताली इसके दिल की तमन्ना जो कई अरसा से इसके दिल में थी ख्वाहिश थी अल्लाह ताली इस मर्द या औरत की जिसने ख्वाब देखा उस दिली ख्वाहिश को उस मुराद को पूरा फरमाएंगे और अगर देखता है या कोई औरत देखती है कि इसके पास बहुत सी मुरगाबियाँ जमा हुई हैं इसके इर्द गिर्द इसके घर में इसके पास बहुत सी मुरगाबियाँ जमा हुई हैं तो दलील है कि उसी क़दर माल और दौलत हासिल करेगा और अल्लाह ताला की तरफ से इसको बुजुर्गी और नाममत मिलेगी इसी तरह अगर किसी के साथ दुश्मनी है तो उस दुश्मन पर लड़ाई के अंदर केस में यानी अदालत के अंदर केस चल रहा है या उसके साथ लड़ाई होती है हर किस्म के मुकाबले के अंदर ये दुश्मन पर फतः पाएगा अल्लाह ताली इसकी मदद फ़रमाएँगे इसको फ़तः याब फरमा इसी तरह हज़रत इब्राहिम क्रमानी रहमुल्ल् ये भी मब्बर है ख्वाबों की तामीर बयान करते हैं हज़रत इब्राहिम किरमानी क्रमानी रमतल फरमाते हैं ख्वाब में मुरगी को देखना ये इंसान की माशी हालत के बेहतर होने पर दलील है इसकी ताबीर यह है कि आदमी की जो माशी हालत है माली हालात वो बेहतर होंगे अल्लाह की तरफ से इसके मुश्किल हालात कम होंगे और आसानियाँ पैदा होंगी और फरमाते हैं अगर इसने देखा इसने मुरगाबी को पकड़ा है या किसी ने इसको मुरगाबी दी है तोहफा तन तो दलील है कि उसी क़दर माल और बुजुर्गी पाएगा और इसी तरह जितनी उस मुरगाबी की हड्डियाँ हैं उन हड्डियों की मकदार के बराबर उन हड्डियों के बराबर इसको माल और नाममत और दौलत आता होगी इसी तरह एक तीसरे मबर जो ताबीरों के अंदर माहिर हैं हजरत जाबिर मगरबी र्ला उनका ये ये ख्याल है वो ये ताबीर बयान फरमाते हैं कि अगर देखे कि लोगों ने किसी जगह मुरगाबी रखी है या बहुत सी मुरगाबियाँ रखी हैं तो दलील है कि उस जगह अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत तकलीफ़ आएगी वहाँ के रहने वालों पर रंज और ग़म आएगा उनके ऊपर कोई तकलीफ़ आएगी और अगर देखे कि उसने मुरगाबी के बच्चे को पकड़ा है मुरगाबी का बच्चा है और ये इसने उसको पकड़ा है या इसको किसी ने दिया है तो हजरत जाबर मगरबी फरमाते हैं इसकी तबीर ये है अल्लाह रब्बुल रब इज़्ज़त इस बच इस बंदे को बेटा अता फ़रमाएंगे अगर शादी शुदा है अगर कंवारा है तो इसकी शादी कराएंगे इसकी जल्द शादी होगी जिससे अल्लाह इज़्ज़त इसको बेटा अता फरमाएंगे अब एक चौथे मुअब्बिर बड़े मशहूर इमाम अगर इमाम जाफिर सदक रहल्ला वो इस बारे में क्या कहते हैं तो वो मैं भी वो भी आपके सामने रखता हूँ इमाम जाफिर सदक रहल्ला फरमाते हैं कि मुरगी को ख्वाब में देखने की चार ताबीरें हैं से तवज्जो से सुने पहली ताबीर वो फरमाते हैं माल और दौलत का मिलना पैसे का मिलना दूसरी ताबीर व फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से बुजुर्गी और नेकी का मिलना शरफ़ औरत का मिलना तीसरी ताबीर रियासत का मिलना यानी किसी इलाके की रियासत इसको मिल जाएगी चौथी ताबीर हकूमत हकूमत इसको मिलेगी किसी इलाके की किसी सूबे की किसी शहर की किसी गांव की ये उन उस इलाके वालों पर हुकूमत करेगा उनका सरबराह होगा क्योंकि मुरगाबी पानी में रहता है और कभी ज़मीन पर रहता है कभी पानी में रहता है और कभी ज़मीन पर रहता है इस वजह से मुरगी को ख्वाब में देखने वाला एक हर एक तरह की मुराद को जो वो चाहता है वो चाहेगा वो पूरा करेगा जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुरगी को ऐसे बनाया है कि वो कभी ज़मीन पर टिकता है कभी पानी पे चला जाता है तो ये ख्वाब देखने वाला भी रबत आला इसकी तमाम जो दिली मुरादें हैं ख्वाहें हैं तमन्नाएँ हैं जायज़ तमन्नाएँ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्ज़त इसको पूरा फरमाएंगे आखिर में एक छोटी सी गुजारिश जो हजरात अपने बच्चों को बच्चियों को ऑनलाइन कुरान मजीद तफासिर अहादीस, दीनी मसाइल वगैरह पढ़ाना सिखाना चाहते हों जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में जदीद मसाइल होते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया जाता है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व आखिर दाना अनहमदल रबीमिन